हेलो, तो अभी मैं आया हूँ बिजली घर, क्योंकि मुझे लेदर का जूता लेना था। बिजली घर में बहुत ज़्यादा अच्छी लेदर के जूते मिलती है, ठीक है, इसलिए आया हूँ। देखो बिजली घर, ये है बिजली घर। अब यहाँ से कहाँ जाना है, कपिल कॉल कर रहा है किसी को, कोई आएगा कपिल को लेने के लिए, तो वहीं से हम लोग जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मुझे किसी ने बोला कि फ़ोन को ऐसे पकड़ के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि बंदर काफ़ी घूम रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अभी थोड़ी बस सामने का बनाता हूँ, ओके। तो कपिल कहाँ जाना है हमें? आगे चलना, ठीक है, आगे, ठीक है। कपिल ने बताया कि हमको आगे जाना है, अब आगे से बाइक खड़ी होगी, वहीं से हमको पिक करके आगे ले जाएगा, ठीक है। तो सामने बंदर दिखे थे, अब मोबाइल अंदर रख के, ठीक है, आगे की तरफ जाने वाले, तो बाद में मिलता हूँ, ठीक है। अभी के लिए देखो, ये बिजली घर आगरा का बिजली घर है। तो हम सबसे पूछते हुए जा रहे हैं, तो एक ने बताया कि लेदर का शूज़ सबसे अच्छा यहाँ पे कोई ठाकुर बाबा लेदर शूज़ करके वहाँ पे मिलता है, सबसे अच्छी शूज़। तो वहीं से हम लोग लेदर का शूज़ लेंगे और फिर आपको हम दिखाएंगे आगरा में लेदर का शूज़ के लिए, ठीक है। अच्छी अच्छी क्वालिटी का, मतलब कम प्राइस में आपको अच्छी लेदर मिलेगी यहाँ पे आगरा में, ठीक है। तो ये इसी चीज़ के लिए तो चल रहे आगे। ये फोर्ट है क्या? शायद ये आगरा फोर्ट के पीछे पीछे वाली जगह है तानी। और ये मस्त सी गाड़ी, वाह। पता नहीं और कितना आगे जाना पड़ेगा, मिल नहीं रहा मुझे ठाकुर बाबा की दुकान लेदर शूज़ वाली। एक टेम्पो वाले से पूछा, उसने बोला ये रहे। अब इसके अंदर जाएंगे, जूते वूते देखेंगे। तो ये जूता मुझे पसंद आ रहा है, ऊपर से जूते आएंगे, ठाकुर बाबा का दुकान। दूसरा डिज़ाइन का शूज़ मैंने चेक किया, अभी चेक करूँगा, मतलब दूसरा शूज़ भी अच्छा लगा। दूसरा जन पहन रहा था तो उसका देखा अच्छा था, तो आएगा अभी ऊपर से। तो ये शूज़ बताना कैसा है ऊपर से, तो मैंने ये जूते खरीद लिए अभी, ठीक है। कपिल कितने में जूते दिए? 550 में, बहुत सस्ता जूता, आपको रूम में पहन के हम दिखाएंगे। ये रहा दुकान ठाकुर बाबा का, ठीक है। अभी चल रहा हूँ, अब फिर से निकलते भगवान टॉकी जाएंगे, विशाल मार्ट में मुझे शॉर्ट लेना, वहाँ से भगवान टॉकी, ठीक है। सब कुछ होगी कल गया। तो अभी मैं देख रहा था, मैंने ऑनलाइन बाटा का जूता मंगाया था, ऑलमोस्ट 1000 पड़ा था मुझे, ठीक है। तो वो बाटा का नहीं आया, क्योंकि डुप्लीकेट जूता आ गया, तो उसको रिटर्न पे डाल के अभी मैं यहाँ पे आया। तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि यहाँ पे अच्छा जूता मिलता है, मतलब कपिल का ही दोस्त था, उसने मुझे सजेस्ट किया कि यहाँ पे अच्छा जूते मुझे मिल जाएंगे। तो वही लेने आया, उसकी 50 प्राइस में, मतलब 50% कम प्राइस में मुझे उससे अच्छे जूते मिल गए, मतलब सेम डिज़ाइन था, कुछ चेंज नहीं था। पहनने के लिए उसने बोला कोई गड़बड़ नहीं होगा, तो उससे अच्छे जूते मिल गए मुझे, विश्वास नहीं हो रहा मुझे। तो 2 हफ्ते बाद जो बर्थडे आएगी मेरी, उस पर फिर से आना है कोई, और एक लोफर शूज़ और एक स्पोर्ट्स शूज़ लेके जाना है वहाँ से, ठीक है। 2 शूज़ लेके जाऊँगा वहाँ से। तो भी देखते आगे भी साल मार्ट जाते हैं, वहाँ का आपको दिखाएंगे हम। अभी कुछ खाने जा रहा हूँ, क्योंकि शाम का दिन में अच्छे से लंच नहीं किया था, बस एक रोटी खाई थी, सब्जी भी अच्छी नहीं थी, तो सोचा कपिल ने कि कुछ नाश्ता थोड़ा सा करके निकलते हैं, ठीक है। तो हम लोग नाश्ता श्री राम में, इसमें कपिल ने बोला जो अच्छा नाश्ता मिल, देखो भीड़ कितनी है, यहीं पे नाश्ता करेंगे, भीड़ बहुत ज़्यादा, पता नहीं इस भीड़ में कैसे खाएंगे, क्या खाएंगे, क्या खा रहा है यहाँ पे? यहाँ का फेवरेट है आलू पूरी।
आलू पूरी की सब्जी। आलू पूरी क्या होता है? तो हमने यहाँ से ये लिया। लिया कैसा है? अच्छा है ना? खाने वाले तो बता, कपिल कहाँ का है? ए बिजली घर पे। हाँ, जैसी निम्बाले की पूरी सब्जी। तो इसने कहा बहुत अच्छी है, तो अभी खाने वाले, ठीक है? खाके आपको बताते कैसा है। कपिल क्या हो रहा है? खाने के बाद थोड़ा मीठा हो रहा है, एक गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन मंगाने का सोचा है, अभी खाने के बाद खाएंगे, ठीक है? मीठा खा के हम लोग बताएंगे। पूरी सब्जी बहुत अच्छी थी, अंदर तीन चार पीस पनीर का था, सस्ता था लेकिन अच्छा था। श्रीराम ये ढाबा, श्रीराम ढाबा बहुत अच्छा है, ठीक है? आगरा का फेमस है, बिजली घर में जो सेंटर में पड़ता है, ठीक है? तो अभी गुलाब जामुन खा के आपको बताते हैं कैसा टेस्ट है इसका। अभी खाने जा रहा हूँ। बहुत टेस्टी है, एकदम सॉफ्ट यम्मी। हाँ चलो, अभी देखिए टेम्पो ने हमको कहाँ उतारा है, ठीक है? हमको जाना है उस साइड, उतारा इस साइड। तो अब जम करके करेंगे। हम लोग पहुँच चुके हैं भगवान टॉकीज का विशाल मार्केट, ठीक है? तो ये रहा विशाल मार्केट, वहाँ से मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे सस्ते कपड़े मिलते हैं, क्वालिटी भले जैसा भी हो सस्ते मिलते हैं। एक शर्ट तो ऑलमोस्ट चल ही जाता है 3-4 महीने। तो मुझे एक लेनी है वाइट शर्ट, प्लेन में बिना कोई बॉर्डर लाइन के। तो चलो देखते हैं अंदर, ठीक है? मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी, ठीक है? सबसे ज़्यादा भीड़ थी रात, आज संडे इसीलिए ज़्यादा भीड़ लगी, लेडीज सेक्शन में ज़्यादा ही भीड़ है। तो हमें ऊपर जाना है, तो सीढ़ियों से ऊपर। ये ग्राउंड फ्लोर पे है और यहाँ से हा? तो कपिल ऊपर चलते हो, बताओ तुमको क्या लेना। हमको फिलहाल देखते हैं क्या पसंद आता है, जो पसंद आएगा वो दिया जाएगा। कुछ पसंद नहीं आने वाला था इसको, मैं बता रहा हूँ। तू घूमने आया मैं नहीं लेके आता, तू आता भी नहीं यहाँ पे। ये शर्ट मुझे पसंद आई है, लेकिन ट्रायल रूम में बहुत ज़्यादा भीड़ है। सोच रहा हूँ ये कहीं साइड में जाके चेंज कर लूँ। हेलो गाइस, इनको चेंज करने के लिए जगह नहीं मिली, तो साइड में होके चेंज कर रहे हैं आपके यूट्यूबर। भीड़ है बिलिंग के लिए, बहुत ज़्यादा भीड़ है, पता नहीं। पता नहीं कौन से में जाए कौन से में नहीं जाए, पता नहीं चल रहा, क्या करूं बताओ। अभी हमारी बिलिंग होने जा रही है, इतने लगभग आधा घंटा बाद हमारी बिलिंग हो रही है यहाँ पे। अभी दिखाता हूँ बिलिंग का, ठीक है? अब जाके हमारी बिलिंग हो गई यहाँ पे, बस थोड़ा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया यहाँ पे, ठीक है? हमारी सामान चेकिंग हो रही है यहाँ पे, चार सामान चेकिंग हो गई। टाटा बाय बाय बाहर की तरफ, विशाल मार्केट से ख़त्म। अभी ये परेशानी निकलेगी कि हमको टेढ़ी बगिया से मूढ़ी के लिए टेम्पो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी यहाँ से तो हम टेढ़ी बगिया तो चले जाएंगे, ठीक है? अब हमको इधर से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब ये परेशानी है, ठीक है? अब देखते रहिए। भगवान टॉकीज से निकले रामबाग के लिए, फिर वहाँ से टेढ़ी बगिया के लिए टेम्पो मिल जाएगा, लेकिन अब आगे देखो क्या होता है। तो जैसा हमने बोला था टेम्पो हमको नहीं मिलने वाली, इसलिए टेम्पो यहाँ पे नहीं मिल रही, ये टेम्पो जाएगी दूसरी जगह, पूरा खाली है, टेम्पो हमको बिल्कुल नहीं मिल रही। गाड़ियाँ आएगी गाड़ियाँ जाएगी, लेकिन साला कोई बैठाएगा नहीं हमें यहाँ पे, ऐसे ही खाली जाएगा। अब इंतज़ार कर रहे हैं, देखो क्या होता है, बताओ क्या करें। ये ड्राइवर साहब हमारे लिए भगवान बन के आए, टेम्पो मिल गया। अब जाने में आधा घंटा लगेगा हमको यहाँ से, और आधा घंटा वेट करेंगे, सिंपल बोलते हैं। हॉस्टल वस्तु का खाना बता दें। हाँ।
और हमने कुछ पैक भी करवाया है, वो आपको रूम में जाकर दिखाएंगे। तो हम लोग हॉस्टल पहुंच चुके हैं, ठीक है, ये रहा हॉस्टल, अंदर जाएंगे। दिस इज एम डी आसिफ, रूम नंबर 116, प्लेइंग COD। तो आसिफ आपका कुछ कहना है बताइए, क्या लग गए, जरा ज़ोर से बोलिए, हमारे YouTube फैमिली सुनना चाहते हैं। कॉलेज में आके कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है कॉलेज में आके? ये कॉलेज है, यहाँ से डिग्री लीजिए, गांड मरवाइए। तो मेरे में रिकॉर्डिंग आ गया, तो आप गंदे हैं ये साबित हो गया। ठीक है, अभी चलते हैं, थोड़ी अश्लील बातें भी। अभी रूम पे पहुँच के फ्रेश हो के कूलर में उधर पानी भर के हम लोग अभी खाना खाने के लिए बैठे हैं। तो खाना में क्या है मैं आपको भी बताता हूँ, रोटी जो हॉस्टल का है, चावल भी हॉस्टल का है, हलवा भी हॉस्टल का है, ये तीनों चीज़ बेकार है पता है। और ये छोले में थोड़ा सा स्वाद रहेगा, और ये दही हम बाहर से खरीद के लाए, ठीक है। तो खाने में ये है, हम दोनों मिलकर खाएंगे, मैं बस दो रोटी खाऊंगा। तो अभी खाना खाने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ, डायरेक्ट बहुत थक गया हूँ, उसके बाद सोऊंगा, और सोने के बाद बस सुबह उठ के फिर से नई ब्लॉग। तो टाटा, बाय बाय, सलाम।